अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 17 मार्च 2023 का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेशाम। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं बेशाम से लेकर बहरीन तक का सफ़र आपसे शेयर करूँगा। रास्ते के कंडीशंस, व्यूज के हवाले से भी बात की जाएगी। तो चलते हैं सफ़र की तरफ। यह है बेशाम शहर और हम लोग यहाँ से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। तो बादल आप देख सकते हैं कि काफ़ी घनी तादाद में ढेरे जमाए हुए और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ से जो नीचे वाली रोड जा रही है ना, ये जा रही है गिलगित हमजा वाली साइड पे। जिस तरफ गाड़ी जा रही है, अभी हम लोग यहाँ से ऊपर मुड़ेंगे और ये जा रही है शामला टॉप से होती हुई सवात।
बादल है बादल है भाई। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू बुखारे के दरख्त पे फूल, और ये जो बाग है ये आलू के दरख्त का बाग है, काफी खूबसूरत बाग है, ये फूल निकले हुए दरख्तों पे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मौसम बहार की आमद आमद है स्वात में, और काफ़ी खूबसूरत मनाजर है। ये बाग आप देख सकते हैं, ये आड़ू का बाग है स्वात में, तो स्वात में जो आड़ू की काफ़ी पैदावार होती है यहाँ पे। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं जी ख्वाजा खेला, ये ख्वाजा खेला के आप मनाजर देख सकते हैं। यहाँ से हमने जो है राइट मुड़ना है बहरीन की तरफ, लेफ़्ट साइड पे जो है वो मंगोरा आता है मालूम जब्बा, मंगोरा के लिए आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ सकते हैं, हमने राइट मुड़ना है क्योंकि हमने जाना बहरीन और कलाम। तो काफ़ी खूबसूरत मनाजर है, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, लोग अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये भी रुका हूँ जी यहाँ पे, मस्जिद नज़र आई और जुम्मे का टाइम है, तो अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ के बाद इंशाल्लाह बाकी जो हमारा सफ़र है वो फिर हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हम लोग खैर वाफियत से बहरीन बाज़ार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रश। आज यहाँ पे कोई जमायत इस्लामी का आज जलसा भी है, उसकी वजह से भी दूसरा यह आज जुम्मा था, जुम्मे की वजह से भी लोग घरों से बाहर आए हैं, जिन्हें की दूर दराज पहाड़ों से जो लोग रहते हैं पहाड़ों पर, वो नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं बहरीन बाज़ार में, नमाज़ पढ़ के शॉपिंग वगैरह करके फिर वापस जाते हैं। दूरेश हज़ार की अगर बात की जाए तो इनकी बहुत ही कम तादाद में, क्योंकि इस तरह का भी सीज़न भी नहीं है। दूसरा, रोड की कंडीशन यहाँ से आगे कलाम का जो रोड है काफ़ी ख़राब है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये बहरीन जो था 2022 के सैलाब में तकरीबन 50% जो था वो तबाह हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक मस्जिद थी वो भी शहीद हो गई थी सैलाब की वजह से, और यहाँ पर एक ब्रिज था वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हल्का फुल्का सा जुगाड़ करके इन्होंने सिंगल सा ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ पे अच्छा खासा चौड़ा रोड था, ठीक है, क्योंकि छोटा सा एक ब्रिज बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं बाज़ार की कंडीशन, जो सैलाब की वजह से यहाँ पे पानी था, ये तकरीबन तीसरे फ्लोर पे पहुँचा हुआ था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी रौनक हुआ करती थी बहरीन बाज़ार में, वो सब उजड़ गया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ख़राब सूरत हाल है बहरीन बाज़ार की। और ये आप देख सकते हैं रेत सारी पानी की वजह से यहाँ पे जम हुई हुई। ये होटल था और ये तकरीबन सारा टूट चुका था। ये आप देख सकते हैं कि इससे पानी कितना तकरीबन यहाँ से अब भी, ठीक है। तो ये मुझे सलाब की वजह से कहीं डूबा हुआ था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, जब तक अल्लाह हाफिज़।